जनपद की तीनों नदियां राप्ती, रोहिन और घाघरा नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन राप्ती नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अभी भी लगभग 380 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन राप्ती, रोहिन और घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 45,000 से ऊपर बाढ़ राहत किट का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मेडिकल टीम गांव-गांव में प्रवास कर रही है, राजस्व और अन्य विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 480 नाव लगाई गई है। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांवों में मोबाइल कम्युनिटी टॉयलेट, भूसा वितरण, नावों से फॉगिंग और कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन का वितरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समुचित व्यवस्था की गई है, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में लगभग 380 से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित हो गए थे, परंतु जो हमारी प्रमुख नदियां हैं राप्ती और घाघरा, उनका पानी तेजी से घट रहा है। घाघरा तो पहले ही खतरे के निशान से नीचे आ गई थी, राप्ती भी धीरे धीरे तेजी से कम हो रही है। गांव में पानी जो जगह जगह एकत्र था, जल जमाव की स्थिति थी, वो भी कम होता जा रहा है। राहत का कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। अब तक 45,000 से अधिक किट का वितरण किया जा चुका है। गांव-गांव में भूसे का वितरण किया जा रहा है। मेडिकल टीम गांव-गांव में प्रवास कर रही है। हमारे राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी भी जहां जैसी आवश्यकता पड़ रही विजिट कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाइयां करा रहे हैं। नावें अभी भी लगी हुई हैं, लगभग 480 से ऊपर नावें लगी हुई हैं। नावों को तब विड्रा किया जाएगा जब वास्तव में गांव के लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि साहब अब नाव को हटा लिया जाए।